तुम्हारी ये खामोश आंखें इतना कुछ कह जाती हैं कि मुझे तुम्हारे बोलकर कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और मुझे वो सब कुछ समझ में आ जाता है। तुम तो मन में भी सोचोगे और मन से कुछ कहोगे भी नहीं, अपने मुख से कुछ भी नहीं कहोगे, मुझे तब भी समझ में आ जाएगा। मुझे सब कुछ सुनाई दे जाता है, वो भी सुनाई देता है जो तुम कहकर मुझसे बोलते हो, और वो भी सुनाई देता है जो तुम मुझसे कहकर नहीं बोल पाते हो, अपने मन में रख लेते हो। इसलिए तुम तो बस अपने मन में सोचा करो, सिर्फ अपने मन से कहो, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद देखो मैं कैसे पूरा करूँगा, कैसे पूरा करता हूँ। तुम्हें पता है जब तुम चारों तरफ से कई बार परेशान हो जाते हो और फिर मुझसे लड़ने लग जाते हो, मुझसे भी झगड़ते हो, मुझसे शिकायतें भी करते हो और ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हो कि कई बार मुझे तकलीफ़ तो होती है लेकिन फिर मुझे हंसी भी आ जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम नाराज़गी उसी पर दिखाओगे जिस पर तुम हक समझते हो, और तुम इतना हक समझते हो कि मुझसे लड़ भी सकते हो, मुझसे शिकायतें भी कर सकते हो और मुझसे झगड़ा भी कर सकते हो। और यही कारण है कि जब जब तुम मेरे पास आकर मुझसे लड़ते हो, मुझसे झगड़ते हो और मुझसे शिकायतें करते हो तो मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि मैं हंसता भी हूँ और तुम्हारी परेशानियों का रास्ता भी तुम्हें तभी के तभी दिखा देता हूँ। तुम्हें महसूस हुआ है ना? मुझे पता है कि जो ये तुम्हारा गुस्सा होता है वो थोड़े पल के लिए होता है, फिर जब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ कितना कुछ अच्छा करता है तो फिर तुम मेरे पास आके माफ़ी भी मांगते हो और कहते भी हो कि बाबा गुस्से में निकल गया। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता? मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ, तुम्हारी परेशानी भी, तुम्हारी तकलीफ़ भी। लेकिन इतना याद रखना कि तुम कभी अकेले नहीं थे, ना ही तुम कभी अकेले पड़ोगे। मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे आसपास हमेशा था, हमेशा रहूँगा। और एक बात याद रखना, तुम्हारा हर कदम हूँ मैं, तो इसलिए परेशान मत होना। और अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे।